गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ सिंपल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इनमें कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ इडियम्स हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है स्निफ। स्निफ, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है नाक से सांस लेते हुए सूं सूं करके सूंघना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हैव अ स्निफ ऑन डिश एंड टेल मी हाउ इज़ द टेस्ट, मतलब डिश को सूंघो और मुझे बताओ कि टेस्ट कैसा है। हैव अ स्निफ ऑन डिश एंड टेल मी हाउ इज़ द टेस्ट। एक और एग्जाम्पल है डॉग स्निफ्ड एट बोन, मतलब कुत्ते ने हड्डी को सूंघा। डॉग स्निफ्ड एट बोन। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ईज ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है कुछ कम हो जाना। जैसा अगर मैं बोलूँ योर स्टमक एक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट, मतलब जो तुम्हारे पेट का दर्द है वो कम कर दिया जाएगा अगर तुम इस टैबलेट को लेते हो। योर स्टमक एक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, आई विल मूव फ्रॉम हियर व्हेन ट्रैफिक विल ईज ऑफ, मतलब जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा। आई विल मूव फ्रॉम हियर व्हेन ट्रैफिक विल ईज ऑफ। अगला वर्ड है हमारा टॉटर। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है लड़खड़ाना। जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज टॉटरिंग इन हाई हील्ड शूज़, मतलब ऊंची हील के जूतों में बहुत चलते समय लड़खड़ा रही है। शी इज टॉटरिंग इन हाई हील्ड शूज़। एक और एग्जांपल है आई सॉ अ मैन टॉटरिंग ऑन द रोड एंड फेल डाउन, मतलब मैंने एक आदमी को रोड पर चलते समय लड़खड़ाते हुए देखा और गिरते हुए देखा। आई सॉ अ मैन टॉटरिंग ऑन द रोड एंड फेल डाउन। अगला एक वर्ड है हम। इसको भी एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कुछ गुनगुनाना। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज सी यू हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मतलब गाने सुनते समय मैं हमेशा तुम्हें गानों को गुनगुनाते हुए देखता हूँ। आई ऑलवेज सी यू हमिंग वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। एक और एग्जाम्पल है आई कॉन्ट डील विद गढ़वाली सॉन्ग्स बट आई कैन हम द ट्यून, मतलब मैं गढ़वाली सॉन्ग्स को समझ नहीं सकता लेकिन मैं ट्यून को गुनगुना सकता हूँ। आई कॉन्ट डील विद गढ़वाली सॉन्ग्स बट आई कैन हम द ट्यून। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है विद द हेल्प ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मदद से या फिर किसी चीज़ के सहारे। जैसा अगर मैं बोलूँ आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ लेट मी फ्लो चैनल, मतलब लेट मी फ्लो चैनल के सहारे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, या फिर लेट मी फ्लो चैनल की मदद से मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ लेट मी फ्लो चैनल। एक और एग्जांपल है आई लर्न्ड हाउ टू राइड बाइक विद द हेल्प ऑफ माय फादर, मतलब मैंने अपने पापा की मदद से या फिर पापा के सहारे बाइक चलाना सीखा। आई लर्न्ड हाउ टू राइड बाइक विद द हेल्प ऑफ माय फादर। अगला वर्ड है हमारा बिस्मर्च। इसका मतलब होता है किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना या फिर किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल देना। जैसा अगर मैं बोलूँ यू बिस्मर्च्ड द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन, मतलब तुमने एक गरीब आदमी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी या फिर तुमने एक गरीब आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछाल दी। यू बिस्मर्च्ड द रेपुटेशन ऑफ अ पुअर मैन। एक और एग्जाम्पल है इफ़ यू डू इट यू विल बिस्मर्च योर फैमिलीज नेम, मतलब अगर आप इसे करोगे तो तुम अपने फैमिली के नाम पर कीचड़ उछाल दोगे या फिर फैमिली के नाम की धज्जियाँ उड़ा दोगे। इफ यू डू इट यू विल बिस्मर्च योर फैमिलीज नेम। अगला वर्ड है हमारा स्नीकर। स्नीकर, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी का अपमान करने के लिए दबी दबी हंसी हंसना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी, मतलब स्टेज पर खड़े होकर जब मैंने अपना पहला भाषण दिया तो लोग मुझ पर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज पीपल वर स्निकरिंग एट मी। ही फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड आई हैड टू सप्रेस माय स्निकर, मतलब वो चलते चलते रोड पर गिर गया, मुझे अपनी दबी हुई हंसी को दबाना पड़ा। ही फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड आई हैड टू सप्रेस माय स्निकर। अगली हमारी एक idiom है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है अपनी गलती के लिए सजा या फिर अपनी गलती के लिए नतीजे को स्वीकार करना। जैसा अगर मैं बोलूँ यू डिडंट स्टडी प्रॉपरली यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ, मतलब तुमने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें अब अपनी गलती के लिए नतीजे को स्वीकार करना होगा। यू डिडंट स्टडी प्रॉपरली यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। अगला एक वर्ड है हमारा एड्रॉइट। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो किसी काम में निपुण है या फिर वो उस काम में सक्षम है, मतलब वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ शी इज़ एड्रॉइट एट टीचिंग, मतलब वो पढ़ाने में निपुण है या फिर मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाती है। शी इज़ एड्रॉइट एट टीचिंग। एक और एग्जांपल है माय फ्रेंड इज़ एड्रॉइट एट सेविंग मनी, मतलब जो मेरा दोस्त है वो पैसे बचाने में माहिर है।
माई फ्रेंड इज अट्रॉयड एट सेविंग मनी। अगली हमारी एक फ्रेज है ऑल ओवर, इसका मतलब होता है सब जगह। जैसा अगर मैं बोलूँ हु पेस्टेड द पोस्टर्स ऑल ओवर द वॉल, मतलब पूरी दीवार पर पोस्टर्स को किसने चिपकाया। हु पेस्टेड द पोस्टर्स ऑल ओवर द वॉल। एक और एग्जांपल है यू प्यूक्ड ऑल ओवर द कारपेट, मतलब पूरी कारपेट पर या फिर कारपेट पर सब जगह तुमने उल्टी कर दी। यू प्यूक्ड ऑल ओवर द कारपेट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है अलाइव विद, इसका मतलब होता है कुछ किसी चीज़ से भरा हुआ होना। जैसे अगर मैं बोलूँ बस वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स, मतलब जो बस थी वो सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। बस वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। एक और एग्जांपल है द हॉस्पिटल्स वर अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के टाइम पर दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स थे वो पेशेंट्स से भरे हुए थे। द हॉस्पिटल्स वर अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगली एक फ्रेज है टू लेट, इसका मतलब होता है कुछ है जो किराए पर लेने के लिए अवेलेबल है या फिर जो भाड़े पर लेने के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं बोलूँ इज़ देयर एनी रूम नियर हियर टू लेट, मतलब क्या यहाँ आसपास कोई किराए पर लेने के लिए रूम अवेलेबल है। इज़ देयर एनी रूम नियर हियर टू लेट। एक और एग्जांपल है देयर आर थ्री फ्लैट्स टू लेट इन दिस बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में तीन फ्लैट्स किराए पर लेने के लिए अवेलेबल हैं। देयर आर थ्री फ्लैट्स टू लेट इन दिस बिल्डिंग। अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा इमिटेट, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का या फिर किसी चीज़ का अनुसरण करना, मतलब उसकी नकल करना। फॉर एग्जांपल ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग परफेक्टली, मतलब ऋतिक रोशन के डांस करने के तरीके को उसने पूरी तरीके से नकल किया या फिर उसका अनुसरण किया। ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन्स वे ऑफ डांसिंग परफेक्टली। एक और एग्जांपल है ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस, मतलब किसी की आवाज़ को, मतलब किसी की भी आवाज़ को नकल करना, मतलब किसी की भी आवाज़ की नकल करना उसकी एक अलग ही तरीके की योग्यता है। ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है मेक अ फस, इसका मतलब होता है किसी बात का बतंगड़ बना देना। जैसे अगर मैं बोलूँ डोंट मेक अ फर्स ओवर ट्रिवियल थिंग, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। डोंट मेक अ फर्स ओवर ट्रिवियल थिंग। एक और एग्जांपल है देर इज़ नथिंग टू मेक अ फर्स अबाउट, मतलब बात का बतंगड़ बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। देर इज़ नथिंग टू मेक अ फर्स अबाउट। अगला वर्ड है हमारा स्लर्प, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है आवाज़ करते हुए कुछ पीना या फिर आवाज़ करते हुए किसी चीज़ की चुस्की लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ वाई आर यू स्लर्पिंग जूस, मतलब जूस को आप आवाज़ करते हुए क्यों पी रहे हो या फिर जूस को चुस्की लेते हुए आप क्यों पी रहे हो। वाई आर यू स्लर्पिंग द जूस। एक और एग्जांपल है इट्स नॉट गुड मैनर टू स्लर्प व्हाइल ड्रिंकिंग टी, मतलब चाय पीते समय चुस्की लेते हुए चाय को पीना ये एक अच्छी आदत नहीं है, या फिर आवाज़ करते हुए चाय को पीना ये एक अच्छी आदत नहीं है। इट्स नॉट अ गुड मैनर टू स्लर्प व्हाइल ड्रिंकिंग टी। अगला एक वर्ड है हमारा मंबल, इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है मुँह मुँह में ही कुछ बोलना या फिर मुँह में ही बुदबुदाना। फॉर एग्जाम्पल वॉट डिड यू मम्बल आई डेंट हियर एनी थिंग, मतलब तुमने अपने मुँह मुँह में ही क्या बोल दिया मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वॉट डिड यू मम्बल आई डेंट हियर एनी थिंग। एक और एग्जाम्पल है आई सॉ अ गर्ल मम्बलिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब रोड पर चलते समय मैंने एक लड़की को मुँह मुँह में बोलते हुए देखा या फिर बुदबुदाते हुए देखा। आई सॉ अ गर्ल मम्बलिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अगली एक फ्रेजल वर्ब है डेल्व इनटू, इसका मतलब होता है ज़्यादा जानकारी के लिए किसी चीज़ में घुसना या फिर किसी चीज़ की खूब छानबीन करना। फॉर एग्जांपल आई हैव टू डेल्व इनटू दिस बुक टू फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब हल को ढूंढने के लिए मुझे इस किताब में अच्छे से घुसना पड़ेगा या फिर इस किताब की मुझे खूब छानबीन करनी पड़ेगी। आई हैव टू डेल्व इनटू दिस बुक टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स, मतलब गोल्ड प्ले बटन को अपने हाथों में देखने के लिए मैं इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। एक और एग्जांपल है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल मीट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही लंबे समय के बाद जब मैं उसे मिलूंगा तो मैं इस दिन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई विल मीट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है नो बाय हार्ट,
इसका मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज़ को याद कर लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई नो द पोएम बाय हार्ट, मतलब मैं पोएम को पूरी तरीके से अच्छे से याद करता हूँ। आई नो द पोएम बाय हार्ट। एक और एग्जाम्पल है आई न्यू टेंसेस बाय हार्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था मैंने सारे टेंसेस को अच्छे से पूरी तरीके से याद किया। आई न्यू द टेंसेस बाय हार्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। अगला एक इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा बेलिकोस। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो लड़ाकू है या फिर झगड़ालू है। फॉर एग्जाम्पल यू आर रियली अ बेलिकोस, मतलब तुम एक सच में लड़ाकू हो या फिर झगड़ालू हो। यू आर रियली अ बेलिकोस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारा इट्स वेरी हार्ड टू लिव विद यू बिकॉज ऑफ योर बेलिकोस नेचर, मतलब तुम्हारे झगड़ालू स्वभाव की वजह से तुम्हारे साथ रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू लिव विद यू बिकॉज ऑफ योर बेलिकोस नेचर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और आपके ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहते हो कि मैं उन वर्ड्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो उनको मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।